और ओडिशा के अनुगुल जिले में स्थित तालचेर उपखंड को जिला बनाने की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से तालचेर उपजिलाधीश दफ्तर परिसर में धरना प्रदर्शन जारी है। दरअसल तालचेर क्रियानुष्ठान समिति की ओर से जिला बनाने की मांग की गई है। इस दौरान लोगों का कहना है कि देश के विकास से हमेशा तालचेर का प्रमुख भागीदार रहा है, जिसको लेकर आपको बता दें कि यहाँ पर तालचेर को जिला बनाने की मांग की जा रही है। हम लोग यहाँ पर 142 दिन हो गया तालचेर डिस्ट्रिक्ट के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, जो कि हमारा जेन्युइन डिमांड है। आप जानते होंगे जब हमारा स्वर्गत बिजू पटनायक जी थे 1993 मसीहा में बोले थे जब भी एक जिला का प्रक्रिया होगा तब तालचेर को 31 का डिस्ट्रिक्ट का मान्यता मिलेगा। उसीलिए वही डिमांड के लिए नवीन जी अभी नवीन पटनायक जी का सरकार अभी जिला के प्रक्रिया आरंभ कर रहे हैं। कांग्रेस का एग्जीक्यूटिव मेंबर हम लोग यहाँ जो बैठे हैं तालचेर को स्वतंत्र जिला डिमांड करके बैठे हैं। आज को लगभग 150 दिन हो गया तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक भी हम लोग का बात को कर्णपात नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग आगामी दिन में एक बड़ा धर फिर इकोनॉमिक स्ट्राइक करने के लिए योजना कर रहे हैं। इसीलिए आपके थ्रू से हम गवर्नमेंट को चेतना देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा डिमांड जो कि तालचेर को स्वतंत्र जिला दाबी वो मान ले। हम तालचेर के आदिवासी हैं। यहाँ हम लोग सब कलेक्टर ऑफिस के सामने हम लोग 142 दिन हो गया तो सरकार को हमने सुनाया कि हमको इसका जिला मान्यता देना है, तो जिला मान्यता देने के लिए 142 दिन हमको इंतजार करना पड़ा। सरकारी तरफ से कोई बात हमारा साथ नहीं किया गया है।